तो शुरू करते हैं इनवाइट ग्लोबल सेंटर कैमरा टू योर वेडिंग फूड सीजन टू शादी नंबर दो। लखनऊ की जाफरानी खीर की मिठास खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू जमाना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। जमजम परफ्यूम्स इनवाइट ग्लोबल सेंटर कैमरा टू योर वेडिंग फूड सीजन टू का वेडिंग फूड नंबर टू आज शूट होने जा रहा है। बड़े रिवायती से शहर में हूँ, बड़े तमीज़दार शहर में हूँ, लखनऊ में हूँ, और जब लखनऊ का नाम आता है तो कहीं ना कहीं से सामने आ जाते हैं कबाब, और जब कबाबों की बात आती है तो फिर लखनऊ में एक ही नाम सामने आता है और वो है टुंडे कबाबी। हाजी मुराद अली साहब ने जो ये पौधा लगाया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसको सींच रहे हैं हाजी उस्मान साहब, यानी हाजी मुराद अली साहब के पोते। इस शादी में जो आज खाने बनेंगे वो किस लेवल के खाने होंगे अभी सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शाम तक जब आप साथ रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने तमहीद बांधी थी उसका आखिर क्या है। हमेशा की तरह हमें सवेरे आ जाना होता है और ये देखना होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या शुरुआत हुई है, कितनी सारी टीम लगी हुई है, क्या काम हो रहा है, कितनी मेहनत हो रही है। तो शुरू करते हैं इनवाइट ग्लोबल सेंटर कैमरा टू योर वेडिंग फूड सीजन टू शादी नंबर दो। कपूरथला वाले आउटलेट पे हमने आपसे मुलाकात की थी। जी जी, कैसे जी। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। हमारे स्टार्टर्स फिश टिक्का है, मलाई टिक्का है, सीख कबाब है, वेज में स्प्रिंग रोल है, पनीर स्टिक है, वेज कटलेट है, पोटली समोसे हैं, टुंडे कबाबी का टुंडे कबाबी स्पेशल कबाब पराठा, रोटी कबाब मिलेंगे, बिरयानी मिलेगी। आज यहाँ आने वालों को असल वो टुंडे कबाब मिलेंगे, पानी आने लगता मुंह, जिनके लिए अमीनाबाद में लोग लाइन लगाते हैं। पकाने वाले भी आ गए हैं, दो तीन टीमें काम कर रही हैं, वेज पकाने वालों के बर्तन उतर रहे हैं, कारीगर जो हैं वो गमछे डाले खड़े हैं, किसी को नहीं पता हमें क्या करना है। धीरे धीरे उनको ड्यूटीज़ असाइन करी जाएंगी और हम आप तक वो सारी ड्यूटीज़ गवाही के साथ पहुंचाते रहेंगे। यहाँ सामान चेक किया जा रहा है कि क्या क्या सामान हमें रिक्वायर्ड था और यहाँ आ चुका है या नहीं। ये ब्रेड्स रखी हैं, ब्रेड मेरे ख्याल में शाही टुकड़े के लिए रखी होंगी। यहाँ पर कंसंट्रेटेड केवड़ा है, अरारोट 15 किलो, कसूरी मेथी 100 ग्राम, तो दूध उबाला जा रहा है। फिलहाल वो चीज़ें हो रही जो इनिशियल स्टेज पर किसी भी शादी के खाने के बैक साइड में आपको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे जैसे ये काम तेज़ होगा वैसे वैसे हमारा कैमरा भी इसको कैप्चर करने में खूब तेज़ी दिखाएगा। हर चीज़ को गिनवाया जा रहा है, संभलवाया जा रहा है, पर्चे से सामान मिलाया जा रहा है कि भैया हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है या नहीं, बाद में किसी चीज़ के लिए भाग भाग ना हो। सब बिजी हैं यहाँ। आप क्या बनाओगे आज? काहे के कारीगर हो? बिरयानी है। खुशू भाई के कारीगर हो? कहाँ हैं वो? अच्छा, हाँ खुशू उस्ताद। अरे तुमने बड़ी सही जुल्फ़ें बनाई हैं यार, ये हैं पीछे दिखाओ, ये क्या बात है। तो साहब ये सब कारीगर इनके साथ हम शाम तक रहेंगे। सामान सिस्टमेटिकली लगा दिया गया है, हर चीज़, भुना हुआ बेसन, साबुत मसाले, पिसे हुए मसाले, केवड़े, टोमेटो प्यूरे, चिली सॉसेस और नमक, पिसा हुआ अलग, साबुत अलग, बहुत कुछ आ चुका है। आपका क्या नाम है? साउथ। तो साउथ आप ही पकाओगे सारा कुछ यहाँ पर खुशू भाई के साथ? ये सब जने पूरी टीम आई हुई है। ये छुरियाँ लेके बैठे हैं, ये टीम के लोग हैं। अरे भाई सब खैरियत तो है क्या? छुरियाँ वुरियाँ दिखा रहे हो यार तुम? छुरी मत दिखाओ यार हमें। हर शादी के खाने के इस किचन में शुरुआती दौर में यही बेरारवी, यही बेचैनी, यही बिखराव, यही मिसमैनेजमेंट होता है। धीरे धीरे ये इतना मैनेज हो जाता है, एक घंटे बाद यहाँ पर हर चीज़ अपने अपने सही जगह पर फिट हो चुकी होगी, हर कारीगर अपने काम पे लग चुका होगा, उसके बाद फिर उसको आपसे बात करना। जहाँ मेज़बान को ये फिक्र कि आज हर जायका मुकम्मल हो, वहीं इन खानों को पकाने वाले हर जिम्मेदार का एहसास जिम्मेदारी भी इंतहा को था।
चार। ये टेम्प्रेरी चूल्हे बनाए जाते हैं कच्ची ईंटों से, और इस पे एक एक चूल्हे पे एक एक देग रखी जाएगी, उसमें मेरे ख्याल में 30-40 किलो माल होगा, उसके लिए मजबूती ज़रूरी है। ये भी एक कारीगरी है कि आपकी देग को बड़े से चम्मच से हिलाया जुलाया भी जाए लेकिन देग अपनी जगह बनी रहे। खड़े नहीं होता बड़े। हाँ दूर बनाओ, दूर बनाओ, बीच में गैप होना ज़रूरी है। वेज के कारीगर अपने काम पे लग गए हैं, राजमा उबाल रहे हैं, छोले उबल चुके, दूध उबाला जा चुका, धनिया किस लिए भून रहे हो? मसाला, करेला। करेला मसाला बनेगा। अच्छा जी, करेला मसाला बनाओ। सूखे मसाले जब भूनते हैं ना बहुत खुशबू आती है। हाँ जी, शुरू कर दिया तुमने ब्रेड काटना। अच्छा जी, यहाँ शाही टुकड़े के लिए ब्रेड के कॉर्नर्स काटे जा रहे हैं, बीच बीच की ब्रेड निकाल के इसका शाही टुकड़ा बनेगा। नवाबियत यहीं से नज़र आनी शुरू हो गई है। नवाबी खाने हैं, वहाँ कुछ भी सख्त नहीं चलता। ये देखिए, ये इसका ऊपरी लेयर उतार देंगे। अगर इसके साथ बनाएंगे तो कोई दिक्कत है? सॉफ्टनेस नहीं आएगी। हाँ सॉफ्टनेस नहीं आएगी। हाँ दूध नहीं जाएगा इसके अंदर, जज्ब नहीं होगा। अभी फ्राई होगी भाई। मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, नवाबों के खाने हैं, नवाबियत शुरू हो गई है। बड़ी साइंस होती है नवाबी खानों में। यार अरे यार, ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े, ये काय के लिए कर रहे हो भाई साहब? काय में डालोगे? रबड़ी बनाओगे? ईका दुईमा ट्रांसफर करना पड़ी। देखा दिया चूल्हा, लगा दी आग। अभी आग जो लगी है इन लकड़ियों में, शाम तक ये जलती रहेगी और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें पकती रहेंगी। आज की इस शादी में, और वो शादी जो हकीम बावर्ची के पोते के वलीमे की हमने की थी, उस शादी के खाने में और आज के खाने में एक सिमिलैरिटी ये है कि उस दिन उन लोगों ने भी खुद अपनी ही फंक्शन के लिए खाने बनाए थे, और आज यहाँ पर भी यही लोग खुद अपने फंक्शन के लिए खाना बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट के एक बेंचमार्क फिक्स कर दिए हैं। देखते हैं कि आज इस शादी के खाने में उसकी कितनी झलक हमें मिलती है। अच्छा जी, दूध एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे अवधि खानों में डलता है, तो सबसे पहले इन लोगों ने आकर यहाँ पर दूध उबालना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर जब ये उबल के रखा जाएगा तो महफूज हो जाएगा। सऊद बिरयानी में पड़ेगा, किस किस चीज़ में पड़ेगा? टुकड़े में पड़ेगा, खीर में पड़ेगा। इधर ये देखे अभी धोई जा रही हैं, इसके बाद ये भी अपने काम पे लग जाएंगी। धीरे धीरे चीज़ें अब अपनी सेटिंग पे आनी शुरू हो रही हैं। दूध को छानने के लिए इन्होंने ये बारीक कपड़ा इस्तेमाल किया है। तीन तीन अच्छा काहे का चावल भिगो रहे हो? ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ भाई साहब ये बहुत देर से चीज़ें पीसने पर लगे हुए हैं। इन्होंने इलायचियाँ पीसी, बहुत सारी चीज़ें पीस पीस। ये तो इलायची है, जावित्री और इलायची। जायफल नहीं डलेगी? जायफल का तो काम है। अच्छा, किस चीज़ के मसाले बना रहे हैं आप? ये बिरयानी कौरमा। अरे वाह, नाम सुन के ही मज़ा आ जाए। ये ग्रुप बैठा हुआ है, बहुत सारी अलग अलग किस्म की सब्जियां छील और काट रहा है। जलेबी, जलेबी के मैदे की तैयारी। अच्छा जी, करे जाओ। अच्छा, छनता भी है ये? हमारे जो इंडियन खाने होते हैं, हर खाने में बड़ी मेहनत होती है। अब पहले उस मैदे को गूंदा है, गूंद के वो छन रहा है, उसको स्मूथ करा जाएगा, उसके बाद वो जलेबी बनने लायक बनेगा। ये भाई साहब अभी ब्रेड काट रहे थे, अभी प्याज छील रहे हैं। सब मल्टी टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। इधर ये सब्जियाँ, भाई साहब आप वेज वालों के आदमी हो? ये शिमला मिर्च काट रहे हो? शिमला मिर्च से पूछ लिया था तुझे, काटूंगा मैं शिमला मिर्च। हाँ
शिमला मिर्च तो कहता नहीं है, कहता है कि जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो। बड़ी अच्छी है बेचारी, बड़ी मासूम सी है। अच्छा जी, एक टेबल यहाँ पर भी है जिसपे काम हो रहा है। भाई साहब, काय के लिए सब्जियाँ उबाल रहे हो? ये चीज़ें बहुत हैं आज। इनकी शादी है आज, इनका रिसेप्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, और बहुत बहुत शादी मुबारक। आपकी क्या ड्यूटी है आज? रेखा वाली में सारी आपकी निगरानी में रहेगा सब कुछ। कबाबों की तैयारी जो है वो खुद टुंडे कबाबी साहब के यहाँ से हो रही है, यानी कि उस्मान भाई के यहाँ से हो रही है। अमीनाबाद वाले आउटलेट से सारा माल यहाँ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ से आएंगी। टुंडे कबाबी का जो कबाब का वो कीमा है वो वहाँ से तैयार आएगा। स्टार्टर्स हैं वो वहीं से हाफ डन होकर आएंगे, यहाँ लास्ट में उसका कंप्लीट किया जाएगा। जो ग्रेवीज की आइटम है, जो मेन कोर्स की आइटम है, वो यहाँ बन रही हैं। उनके जो सीनियर कारीगर हैं वो यहाँ पर हैं, जो इनके मेन ओनर हैं वो अभी आने बाकी हैं। फ़िलहाल चीज़ें बड़े मज़ेदार अंदाज से इस लखनवी शादी में अब परवान चढ़ने लगी हैं। इनवाइट ग्लोबल सेंटर कैमरा टू योर वेडिंग फूड की शादी है, हम इसका फूड कैप्चर करके आप तक इस कैमरा के जरिए पहुंचाने। आखिरकार अब यहाँ गोश्त नजर आने लगा है। गोश्त की एक एक बोटी को बड़े प्यार से साफ सुथरा करके, नहला धुला के, उसकी सारी नाराजगी दूर करके एक अलग पानी में डाला जा रहा है। अच्छी तरह से साफ सुथरा करके उसको पकाया जाएगा। ये बिरयानी चल रही है, ये कोरमे का है, बिरयानी का ये रखता है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो देगो में आ जाएगा। देगो में आने के बाद फिर उसको कोरमे की शक्ल देनी शुरू करी जाएगी, मसाले वगैरह डाले जाएंगे। ये सब कुछ अभी हमारे सामने होने वाला है। भाई पनीर का क्या बन रहा है? ये पनीर स्टिक जो है वो स्टार्टर में है। हाँ, बटर पनीर मसाला जो वो मेन कोर्स में। अभी तो ये दूध ही उबाल उबाल के साइड में रख रहे हैं, उसके बाद इस दूध को इस्तेमाल करते रहेंगे हर चीज़ में। फिलहाल ये दूध की देगें चढ़ी हुई हैं, गोश्त धुल रहा है, देगें धुल रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। ये देखिए काम शुरू होने जा रहा है। जी आलू धुले थे, अब उबलने चले। ये काय के लिए आलू उबल रहे हैं? राजन भाई, काय का आलू उबाल रहे हो? आज जो सारा वेज खाना बना रहे हैं जी, वो उसके जिम्मेदार मेरे साथ खड़े हैं, उनका नाम है राजन। इनको माइक दिया जाए। आज वेज खाने में हमारा बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज, दाल मखानी, दही बड़ा, मीठी चटनी, मेवा, पापड़, सलाद, पुलाव, नान, रोटी, मिस्सी रोटी, पूड़ी, कचौड़ी और देसी घी की जलेबी। कहीं तो रुकिए, रुकेंगे नहीं। देसी घी की जलेबी, हाँ, और मेवा रबड़ी। और वेज आइटम में स्नैक्स बन रहे हैं, चाट का पूरा काउंटर लग रहा है। हाँ, लखनऊआ चाट। लखनऊआ चाट, हाँ लखनऊआ। ये लाए कुछ नहीं लाए, और तो कुछ नहीं रह गया, अभी स्नैक्स है। अरे मान जाओ, पनीर स्टिक्स है, हाँ, वेज चटनी है, हाँ, स्प्रिंग रोल है, हनी चिली है। क्या माचिस सही है? लाइटर जलाना होगा। आग लगाओगे? नहीं। अरे आग मत लगाओ यार, देख लो उधर चल रहा है सब लाइट। लगाए जाओ आग, लगाए जाओ तुम। हाँ जी, क्या घोट दिया? अरे बाबूजी क्या घोट दिया यहाँ? चटनी है, चटनी चाट के लिए। अच्छा, शाम तक हल्के हल्के पकाओगे इसे? हैं जी, अभी पकेगा। हाँ, मसाले पड़ेंगे बहुत सारे। बटर पनीर कटने जा रहा है। बटर पनीर काटो साहब, काटो, खूब काटो। अच्छा जी, सब मसरूफ है, सब बिजी है। जो ब्रेड काटी थी उसको शाही टुकड़े की शक्ल दी जाएगी। देखते हैं टुंडे कबाबी के दस्तरखान पे शाही टुकड़ा कैसा होता है। साहब हम पकने से पहले भी देखेंगे, पकने के बाद तो जबान बताएगी। इतना खूबसूरत तरीके से गोल्डन ब्राउन किया हुआ स्लाइस ही हमारे सामने रखा है। कितने चाह रहे हैं इसको, फिलहाल तो ऐसे ही उठा के खा जाए। लेकिन बहरहाल रात को जब ये शाही टुकड़े की शक्ल में आएगा तो इसका मज़ा ज़्यादा होगा। जो अवधी कुजीन में बहुत ख़ास चीज़ एक इंग्रेडिएंट माना जाता है वो है ये ज़ाफ़रान यानी केसर यानी सैफरान। ये बिरयानी में, कोरमे में, बहुत सारी चीज़ों में पड़ेगी। ये मटरी है, चाट वाली मटरी है, बहुत खूबसूरत है। बात यह है कि ये एक मटरी तो जब तक हम खाएँगे नहीं मज़ा नहीं आएगा, इतनी देर नहीं रुक पाते। बिस्मिल्लाह, कभी अगर ऐसी ताज़ी मटरी खाने को मिले तो ज़ायका मुझे बताइएगा। बहुत कम लोगों को मिलती है क्योंकि अमूमन ढेर सारी तल ली जाती है, उसके बाद धीरे धीरे इस्तेमाल होती है। शादियों में ये हाथ के हाथ बनती है और इस्तेमाल होती है।
ये किस चीज़ की भाई साहब, काय की तैयारी है? रोटी की? दूध? ये घी? ये घी उसमें डाला जाएगा ना? आटे को घी और दूध में गूंदोगे और क्या मिलेगा इसमें? ये किस चीज़ का आटा है? मैदा है, मैदा। मैं किस चीज़ का है? अरे क्या बनेगा इसका? शीरमाल का है। ये हैं फुसुमिया और इनका नाम है मरगूब अहमद। इनकी सादगी ही इनका असल किरदार है। यही हैं जो आज अवधी और मुगलई मेन कोर्स बना रहे हैं। सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपका। जी मटन बिरयानी है, मटन कौरमा है, लगन चिकन है, बटर चिकन है, खीर है, शाही टुकड़ा है और फ्राई चिकन है, शीरमाल है, मुगलाई रोटी है। क्या नाम है आपका? मरगूब अहमद उर्फ फुसू। ये जो फुसू भाई है, सुबह से इनका इंतजार था। ग्रेवी की आइटम्स हैं सारी ये बना रहे हैं, बहुत सारी आइटम अभी इन्होंने गिनवाई। नहारी भी है? नहारी नहीं है। लगन चिकन, बटर चिकन। लगन चिकन? हाँ बटर चिकन। लगन चिकन क्या होता है जी? ये लगन बनता है मुर्गा, 8 पीस का होता है, वो बनता है मुर्गा मुसल्लम वाला। वो ये खास यहीं की अवधि है? जी अवधि। टुंडे कबाबी के इस फंक्शन में अगर फुसू मियाँ ग्रेवी के आइटम्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये कोई खास चीज होंगे, तभी आज इस शादी के मेन्यू में इनके हाथ के बने हुए हम खाने खाएंगे। अरे साहब थैंक यू, बहुत ज़रूरत थी इसकी। ये ब्रेड जो इन्होंने शाही टुकड़े के लिए सेकी थी, सुबह से बार बार इसके आसपास में आके घूम रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत है। दिल कहता है कि एक ब्रेड स्लाइस उठाकर ज़रूर चखा जाए, लेकिन मैं पूरा एक स्लाइस ख़राब नहीं करूँगा, कोई टुकड़ा खाकर देखते हैं। मत बनाइए इसका शाही टुकड़ा, कोई ऐसे ही खा जाइए, बहुत ज़बरदस्त ब्रेड है। ये देसी घी में डीप फ्राई की हुई ब्रेड है। ये ज़बरदस्त है भाई, क्या खास है। बिरयानी की तैयारी शुरू होने लगी है, यहाँ देखो इन्होंने गोश्त पलटना शुरू कर दिया है। मटन की बिरयानी बन रही है, वहाँ से गोश्त धुलकर यहाँ आ रहा है और इन देगों में लगना शुरू होगा। ये क्या डाल रहे हैं? लहसुन का पानी। ये आया इसका मसाला। चलिए सर, वाह जी वाह, ये शुरुआत हुई। अब ये शुरुआत हुई बिरयानी की है जी। शाही टुकड़े की डीप फ्राइड ब्रेड का जैसे इम्तहान ख़त्म हो गया, जैसे ही इन इंतहाई कड़क ब्रेड स्लाइसिस पे गरम ज़ाफ़रानी दूध डाला गया, इनकी सारी अकड़ नरमी में बखुशी तब्दील हो गई। खेतों में आप पाशी की जाती है, बिल्कुल इसी तरह इन बड़े बड़े लगनों में शाही टुकड़े के ऊपर दूध पाशी की जा रही थी। लेकिन शाही टुकड़े का इम्तहान अभी बाकी था। इसको दूध से सेर करने के बाद लकड़ी की धीमी आंच पर फिर से रख दिया गया इसको मजीद नरम करने के लिए। अच्छा तो बिरयानी वो बना रहे हो नमकीन अवधि। जो नमकीन खुशबूदार बिरयानी होती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्चे मसाला कुछ नहीं होता, वो दरअसल अवधि बिरयानी होती है, वो आज यहाँ बनेगी। जाहिर है कि हम अवधि कुजीन के शहर लखनऊ में खड़े हैं, तो यहाँ जो बिरयानी बनेगी 24 कैरेट की बिरयानी होगी। यहाँ बिरयानी की बात की और वहाँ अमीनाबाद में बैठे उस्मान साहब ने हमारे लंच की फिक्र करते हुए हमारे लिए खुसूसी तौर पे रेस्टोरेंट से बिरयानी पैक करवा के भेज दी है। तो अब काम रोक कर पहले बिरयानी हो जाए। ये टुंडे कबाबी की बिरयानी भेज दी, मैं इस जहमत के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ बैठ कर सारे इंतजाम के बीच में भी वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कौन उनका मेहमान है और किसको खाना पहुँचाना है। तो बहरहाल ये बिरयानी जो है, ये लखनवी बिरयानी, ये अवधि बिरयानी, ये टुंडे कबाबी की बिरयानी, एक चम्मच खा के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कर दूंगा कैमरा बंद, क्योंकि इस बिरयानी को मुझे जीना है। बिस्मिल्लाह करते हैं, छोटी सी बोटी ये बिरयानी। जब दुकान से ये बिरयानी आई है तो आज शाम को दरअसल मेन्यू में जो बिरयानी बन रही होगी, जब उस बिरयानी को हम रात को खाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा, इसके लिए बस देखते रहिए। बिरयानी ख़त्म करते हैं फिर अपने काम पर लौट। इधर क्या चल रहा है? ये भी यखनी है? सब लाइन से यखनी है, लाइन से यखनी चल रही है। यखनी के बाद आगे कहानियाँ बढ़ेंगी, कोरमा बनेगा, लगन चिकन बनेगा, बटर चिकन बनेगा। ये देगे तैयार रखी हैं अपनी ड्यूटी पर चलने के लिए। शाही टुकड़ा बड़ा नखरे वाला है यार, सुबह से इसका काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, सारे लगनों में शाही टुकड़ा ही छाया हुआ। ये भी आपका ही सामान है? ये गाय में जाएगा? कौरमा में, चिकन चाप। अच्छा ये ग्रेवी में जाएगा सब में? हमसे नहीं बचेंगे, हम एक काजू उठाएंगे और खा जाएंगे। इस शाही टुकड़े ने आज बहुत सताया, बार बार मेरा ध्यान भटकाता रहा, अपने हुस्न में उलझाता रहा और आज रात की दावत के लिए तैयार होता रहा।
जब ये दूध के अंदर एक उबाल ले लेता है ये इस हालत में आ जाता है। ये अब धीरे धीरे अपनी फॉर्म ले रहा है, अब इसकी गार्निश शुरू होगी। गार्निश के लिए यहाँ पर खोया भूना जा रहा है। बैगन में भी भरा जाएगा? हाँ, क्या क्या बनाओगे यार? अच्छा, टमाटर भी खाली कर करके रखे हैं, टमाटर में भी भरोगे? ये क्या है जो भर रहे हो? यखनी है ना? झोल बनेगा इसका, मेन झोल बनेगा, झोल बनेगा और वह लेयरिंग हो जाएगी। झोल बनेगा, घी बटेगा, उसके बाद जो है चावल इसमें लगाएंगे, तेल लगाएंगे। अच्छा, अब इसको दोबारा चढ़ाओगे? इसको दोबारा चढ़ाएंगे, घी उतारेंगे इसका, फिर ये बनेगा झोल। भाई ये अवधी बिरयानी बड़ी मेहनत कराती है। अब ये एक एक क्या क्या छाट रहे हो, हड्डियाँ? अवधी बिरयानी की असल रेसिपी ज़रा लंबी और मेहनत तलब है। झोल यानी वो लिक्विड जिसमें गोश्त की यखनी, घी, कुछ साबुत मसाले और दीगर खुशबुएं होती हैं, इसको हासिल करने तक रेसिपी अपने कारीगर का भी अर्क निचोड़ लेती है। चंद दिन पहले, चंद महीने पहले इदरीस बिरयानी की वीडियो करी थी, उसमें पूरा प्रोसेस देखा था कि ये अवधी बिरयानी, इसके इतने नखरे हैं, इसकी इतनी खिदमतें करनी पड़ती हैं, कई बार इसकी चीज़ें उतरती हैं, फिर चूल्हे पर जाती हैं, फिर अलग होती हैं, फिर दोबारा से वो यखनी चूल्हे पर चढ़ा दी जाती है, उसके बाद फिर उसको उतार के छाना जाता है, बहुत सारे काम है इसमें। ये बिरयानी मेरे ख्याल में अब तक जो मैंने देखी है सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत। बैंगन और करेले पर आज जब पहली बार मुझे प्यार आया तो अंदाज़ा हुआ कि अगर हुनर दिखाया जाए तो बैंगन और करेला भी इंतहाई हसीन बनाया जा सकता है। अच्छा, खीर घुट रही है। मुझे लगता था कि शाही टुकड़ा बस दूध में ब्रेड डाल देने से बन जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी खिदमत मांगता है। एक घंटे की छुट्टी जरूरी है, सुबह से लगातार लगे हुए हैं, कैमरा भी थक गया है, बैटरीज भी थक गई है, माइक भी कह रहा है थोड़ी देर तो छोड़ दो, तो हमने कहा भाई ठीक है, हमने इनसे इजाज़त ले ली तो थोड़ी देर को छोड़ दो यार, आते हैं एक घंटे के बाद। एक घंटे के बाद हम वापस आए हैं और यहाँ माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। अभी हो क्या क्या गया मेरे पीछे, क्या क्या कर गए आप? कोरमा बुना रही, कोरमा एक चढ़ाई, एक कोरमा, हाँ एक चाय है, झोल बन गया, वो देखिए तय लग गई, वो अब इसमें चावल से दम करने को रह जाएंगे। चलिए ठीक है, अब साथ साथ चलते हैं, सारा काम करते हैं। जी जी, ये झोल बन गया। अब आप पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई साहब, हमें थोड़ा सा आराम चाहिए था, हम चले गए। चलिए साहब, बिरयानी की तैयारियां आगे चल रही हैं धीरे धीरे। उबाला नहीं, उबाला नहीं जाता, भूना जाता है। तो भूना क्या है? भूना है ये, घी है। समझ गया मैं आपकी बात, यहाँ पर इन्होंने जब नहीं है ऐसा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं आप भाई, ये घी था, यखनी नहीं थी, मेरी गलत फहमी थी, ये यखनी नहीं थी, ये इस घी में गोश्त को भूना है इन्होंने मसालों के साथ, और उसके बाद गोश्त को छान के घी को अलग कर लिया, और ये अब घी बनाए, जो ये घी वापस उसको दिया है, उसकी चीज़ें छान के बारीक हड्डियाँ निकाल के कि ये बना दिया है झोल। क्या क्या है इसमें? इसके अंदर दूध है, हाँ, जाफरान है, हाँ, मलाई है, और गोश्त भी डाल दिया, गोश्त भी पड़ा है। ये तो खास बात है यार वाकई में, ये जो बिरयानी है ये घी में बन रही है, यखनी में नहीं बन रही। रोटियों वाला सेक्शन जो है वहाँ बहुत कुछ अब होने लगा है, एक नज़र उधर भी मार लेते हैं। अच्छा जी, तुम्हारे ड्राई फ्रूट नहीं कटे अभी तक माविया, तुम्हारे ड्राई फ्रूट नहीं कटे अभी तक हैं। ये शीरमाल है लखनऊ का, ये सारी इसी की तैयारी चल रही है, ढेर सारे। अब ये काय में डालोगे इतना सारे यार तुम? ये शायद टुकड़े में, खीर में। अच्छा, बहुत चीज़ों में जाएगा ये। ये किस चीज़ की तैयारी है? बटर चिकन। सही है भाई। अच्छा जनाब, इधर भी देखें क्या हो रहा है। हाँ जी, ये बताओ, शाही टुकड़े ने तुम्हें छोड़ दिया? अच्छा, अब ये लगन चिकन तुम बना रहे हो? ये लगन चिकन हम पहली बार देख रहे हैं, ये लखनऊ की ही कोई ख़ास चीज़ है साहब, ये बटर चिकन से अलग होता है? जी, बटर चिकन से अलग होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शकील। शकील, ये है वो लगन चाप। अब तुम जाओ वहाँ पे, जाओ इधर काम। लगन चिकन है ना, इसमें क्या टमाटर डालें, क्या डाला है? टमाटर ने इसमें मलाई पड़ा, मलाई काजू। अच्छा, और ये वो भी इसी का घान है? जी। अच्छा चलो, उधर इसकी थोड़ी सी रॉ पोजिशन देखते हैं। यहाँ पर ये चार लगनों में। अच्छा जी, ये आया लगन चिकन का एक और घान। ये आग इस पे रखोगे? हाँ देखिए, रखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, ये देखिए, बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई ये तो।
ऊपर से भी पक रहा है, नीचे से भी पक रहा है। वेरी गुड। अच्छा इधर ये फ्राइड चिकन की तैयारी शुरू हो गई। बहुत सारे काम निपट चुके हैं, बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं। जरा वेज की खबर लें। वेज वालों क्या कर रहे हो ये बताओ। ये नान का माल लगा रहे हैं। और इधर क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया? यार एक बात बताओ, अभी तो टाइम हो गया ठीक ठाक, अब कब तक बनाओगे ये? बस अब रेडी होने, रेडी हो जाएगा। चलो टाइम से मिल जाएगा, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे। ये क्या टिक्की है? टिक्की। हाँ भाई इमरान, ये जाफरानी खीर। जाफरानी खीर, अच्छा जी। तो लखनऊ की जाफरानी खीर की मिठास, उसका मीठा चेक करते हैं। चलिए साहब, थोड़ी सी साइड से ली है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, बेहतरीन खीर है। अभी कुटाई चल रही है, जाफरान का मज़ा है इसमें। ये आया शीरमाल है जी, जिसकी सुबह से आप मेहनत कर रहे थे आटे पे। ये शीरमाल अब तैयार होता आ रहा है, ये पेड़े बन रहे हैं, वहाँ पर तंदूर में चला जाएगा। बाहर जब आता है तो ये शीरमाल बन चुका होता है। तो ये है इनवाइट ग्लोबल सेंटर कैमरा टू योर वेडिंग फूड सीजन टू की दूसरी शादी। यार तो बहुत कुछ हो गया है। ये दम की तैयारी है, हमने कौरमे की अब तक शक्ल ही नहीं देखी। कौरमे की शक्ल तो दिखाओ ज़रा निकाल के, कैसा है लखनवी मटन कौरमा साहब, इसको भी देखें ज़रा। खुशबू तो आ रही है, ये अभी तैयार नहीं है और खुशबू आ रही है, यानी इसको कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। भाई वाह, बड़ा पुरौनक सा है। सिर्फ आलू है, जब आप इसको ताज़ा खाते हैं तो ये फीका आलू भी आपको अच्छा मालूम होता है। अच्छा जी, यहाँ तो अभी और बहुत काम बाकी है, लेकिन एक नज़र देखते हैं कि मेन पंडाल में अब क्या हालात हैं। इतना हम छोड़ कर गए थे, अब कुछ और मामला आते हैं, एक नज़र आपको। माना कि यहाँ खुशनुमा माहौल है, लेकिन अभी कुछ देर और हमारे कैमरे को किचन में जिम्मेदारी संभालनी है। उस्मान साहब का किचन का एक दौरा और काम मुकम्मल। तीन महीने पहले तकरीबन मैं लखनऊ आया था, तो उस्मान भाई से मुलाकात हुई, जिक्र निकला, कहने लगे दो तीन महीने के बाद शादी है, ज़रूर आइएगा। मैंने बस ये बात पकड़ ली, मैंने कहा बस आप मुझे डेट बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस शादी का खाना आप लोगों को ज़रूर पहुँचाना था। मेरे साथ बैठे हैं, दो मिनट उस्मान भाई से बात करते हैं, उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। अरे गिर पड़े थे बेचारे, बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल्ली से खास कर आए। बस मेरा शुक्रिया कबूल कर लीजिए। मेरे शुक्रिया बहुत बहुत, आगे नसीब अच्छा करें, मेरी यही दुआ है, खुश रहें और आपका साया तादेर सलामत रहे। खूब अच्छे काम करते रहे, बहुत शुक्रिया, नाम कमाइए दुनिया में और देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए। वैसे तो आप सब लोग चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मेरे चैनल के तवसुत से भी और वैसे भी। हमारे साथ बैठे हैं आज के होस्ट जनाब हाजी मुराद अली साहब के पोते, आज के टुंडे कबाबी के ड्राइविंग फोर्स हैं और आज के इस फंक्शन के होस्ट हैं भाई उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने।
बाद ये कोरमा क्या कहता है, एक एक चीज़ देखते चलते हैं। कोरमा है जो हम अंदर बनता देख रहे थे, ये मटन का कोरमा यहाँ आ गया है। बटर चिकन है, तीन परातों में हमारे सामने ये बनाया गया था और बड़ी मेहनत ली थी इस बटर चिकन ने भी। चिकन फ्राई रखा है, मटन बिरयानी, ये है जो मेन अट्रैक्शन है आज का हमारे हिसाब से। ये टुंडे कबाबी की मटन बिरयानी है, ये क्या खूब होने जा रही है। थोड़ी सी परतें खुलती हैं तो नज़र आता है। अच्छा जी, लगन चिकन, इस लगन चिकन ने बड़ी मेहनत ली थी, बड़े अलग अंदाज से ये बनता है। नीचे की आँच, ऊपर की आँच, बहुत कुछ मांगता है। उसके बाद अगेन ये मटन कौरमा आ गया और ये अब ये रेपुटेशन शुरू हो गया। यहाँ पर वही वर्ती पराठा जो दुकान में बनाया जाता है, और ये आ गए वो इनके सिग्नेचर टुंडे कबाब। अच्छा जी, तो सुबह से चल रही जो मेहनत थी वो अब प्लेटों की शक्ल में टेबल के ऊपर आ गई है। उसमें से एक है ये इनकी ख़ास बिरयानी, एक है ये लगन चिकन जो नाम भी नया है, तरीका भी बहुत नया था जब इसको बनते मैं देख रहा था। साथ में है इनका ये कोरमा। कोरमा मेरे ख्याल में नॉर्मल कोरमे से थोड़ा सा डिफरेंट है। साथ में दो रोटियाँ, सबसे पहले इस लगन चिकन से। अच्छा जी, आदि भाई साथ में आ जाइए ना, लीजिए ना आप भी। आप लखनऊ में आए और कबाब तो आप मिस करेंगे। रश बहुत ज्यादा है। रश बहुत ज्यादा है, छुट्टी का भी माहौल है। हाँ, छुट्टी का माहौल, उसका असर तो है ही। जो चीजें हमारे चैनल पे नहीं है उनको पहले फौकियत दी जाए, वो बिल्कुल होना चाहिए। सही है जी। तो लगन चिकन जो है वो हमने पहली बार सुना, आपने खाया है? जी बिल्कुल, लखनऊ की खासियत है। जी जी, तो ये सही रोटी है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सही है। चीज़ें बड़ी ख़ास होती हैं भाई, जब जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो देखना पड़ता है कि इसके साथ क्या चीज़ आपको खानी है। बिस्मिल्लाह। और ये बड़ा अच्छा मौका है यही भाई कि आप यहाँ पे आए, आपने आज इसको कैप्चर भी किया और इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छा आना चाहिए, हम सबको इसका इंतजार भी रहे। साथ में दुआएं चाहिए सर। बिल्कुल, दुआएं हमेशा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, लगन चिकन मोर और लेस कोरमे के कुछ अंदाज का मुझे लग रहा है। कुछ अंदाज का है लेकिन फ़र्क है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ये बात ठीक है कि ये उस जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है। लखनऊ की यही खासियत है कि कुछ ना कुछ इसमें जो है। हाँ। अच्छा, मैंने देखा कोरमा जब मुझे लगा कि अब तैयार हो गया तो उसके बाद कहने लगे नहीं अभी तैयार नहीं हुआ, इसके अंदर काजू और चिरौंजी का पेस्ट आएगा जी। तो टेक्सचर ही बदल गया। तो ये जो कोरमा है जी, ये लखनवी है। अच्छा, मैंने देखा, आप भी इस बात को कंफर्म कीजिएगा, जो अवधी कुजीन है जी वो कोयलों से ज़्यादा दम पे पकता है जी, और ज़्यादातर चीज़ों में किसी ना किसी चीज़ की यखनी बहुत यूज़ होती है। ऐसा अजीब सी बात है लेकिन ये पहली बार खाऊंगा मैं शीरमाल। हाँ। अच्छा। हाँ। ये भी खास लखनऊ की शीरमाल है जी। ये आपको अलग शहरों में मिलेगी लेकिन दूसरे अंदाज में, दूसरे रंग में और दूसरे टेस्ट में मिलेगी। ये मीठी होती है? ये हल्की मीठी होती है। लखनऊ के एक उस्ताद शायर रहे हैं जी, हैदर अली आतिश साहब, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, करें शुक्र नेमत जितनी वो कम है, करें शुक्र नेमत जितनी वो कम है जी, मज़े लूटती है जबाँ कैसे कैसे। क्या बात है, क्या बात है, सच बात है। इतने सेंसर्स अल्लाह ने इसमें लगा दिए कि हर जगह से कुछ ना कुछ नया टेस्ट रिसीव हो रहा होता है। बहुत डेटा आता है इसके अंदर, आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। सही बात है, अब जितना कैप्चर करना चाहेंगे उतना कर। सब कुछ पूरा लखनवी, पूरा कहना चाहिए कि आपको ये कितना फर्क दिखता है दिल्ली के खाने से, क्योंकि आप तो दबिस्तान दिल्ली के हैं और इस वक्त आप दबिस्तान। आप मुश्किल सवाल कर लीजिए आप जी। तो आपको ये कितना फ़र्क दिखता है दिल्ली और लखनऊ के खाने में? लखनऊ के खानों के जायके आपके जबान को और पेट को ना कोई एतराज़ नहीं होता इनको रिसीव करने के बाद। लखनऊ के खाने हाँ, बड़े नर्म मिजाज, इन अदर वर्ड्स के वाले भी ऐसे ही होते हैं कि बहुत कम मसाले होते हैं, होते हैं तो वो समझ के पड़े होते हैं कि हमने क्या डाला है, कितना डाला है। शुरू में कुछ डालना है, उसके बाद आधा पक जाए तो उसको फिर उतार लेना है, उसको फिर कब दोबारा आँच देनी है, बड़ा साइंस है। हम लोग जबान में भी यही ध्यान। उमूमन खाना खाते हुए ज़बान और नाक लुत्फ़ानंदोज़ होती है, लेकिन यहाँ एक काबिल लखनवी अजीज़ के साथ खाना नाक और ज़बान के अलावा आतिफ साहब के नरम लहजे और कड़क आवाज़ के साथ कानों में भी उतर रहा था। अच्छा, तो ये जो बिरयानी है इससे आज के डिनर का मैं अख्तिताम करूँगा और उसके बाद दरअसल कैमरा बंद करके हम इसको जियेंगे, लेकिन उससे पहले इस बिरयानी का एक ज़ायका ज़रूर लेंगे। हुआ क्या है, आज तक ये गुमान था कि शायद ये जो लखनऊ में बिरयानी बनती है ये यखनी बनती है, लेकिन आज अंदर मुझे कसदन उन्होंने बताया जो उसके खानजामा थे कि भाई ये यखनी नहीं है जो हम डाल रहे हैं, ये वो घी है, इसमें हमने इस गोश्त को भूना है। तो ये बड़ी एक नई चीज़ पता लगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है भाई, ये है कि जब आप शादियों में खाना खाते हैं और किसी रेस्टोरेंट में और घर में, तो तीनों जो है वो फ़र्क है भाई। लीजिए ना, आपने सुन रख दिया।
और बात यह है कि मेरा ये मानना है कि किसी भी शहर का मिजाज उसके खानों से पहचाना जाता है। और असल जो रॉ खाने आपको मिलेंगे वो रिवायती शादियों में मिलेंगे या फिर घरों में मिलेंगे। शादियाँ एक बड़ा अच्छा मौका होती हैं किसी भी शहर का मिजाज खाने के ज़रिए समझने के लिए। ये एक निवाला कैमरा पे और उसके बाद कैमरा ऑफ होगा, दो मिनट की इजाज़त ली जाएगी। ये एक मुकम्मल लखनवी महफिल थी, बहुत खूब थी। जब लखनऊ का नाम जहन में आता है तो जाहिर है कि टुंडे कबाबी के कबाब जहन में आते हैं। और ये सारी चढ़ोर करने के बाद आखिर में आपको लाजिम है कि आप अज़हर भाई के पास उनके हाथ से पान खाने जाएं। अज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सभी हमें मिलने वालों को आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। अब 3 साल के बाद हो रही है। जी जी जी, आप पहचान गए, जजाकल्ला। तो आज कौन सा पान खिलाएंगे? हाजमे वाला है, कमर के दर्द वाला ये है। आपकी पूरी वो लिस्ट शुरू हो जाती है। कमर तोड़ है, पलक तोड़ है, पलक को राजी करने वाला है। नहीं साहब, सादा सा खिला दीजिए, खैर उसी में है। आपको सादा खुशबू वाला खिलाइए जी। आपके हाथ से खाएंगे भाई? हम अपने हाथ से खिलाएंगे। ये शाही पान खाइए आप। बहुत शुक्रिया। इस पान की खासियत यह है कि ये अज़हर भाई के हाथ से खाया गया है। तो उस्मान भाई के दस्तरखान से, अज़हर भाई के इस पान के साथ, लखनऊ से, इस शादी से मुझे यानी मोहम्मद याह को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।